नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है और पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको मालूम नहीं है, उसमें आदेश में ये भी कहा गया है कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा तो ओबीसी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे, अब मात्र 4 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। पहले मध्य प्रदेश में 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब मात्र 30 जनपद अध्यक्ष बनेंगे। पहले मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत के सदस्य बनते थे, अब मध्य प्रदेश में ओबीसी के मात्र 102 जनपद सदस्य बनेंगे। पहले मध्य प्रदेश में जनपद के सदस्य जो बनते थे वो 1270 जनपद सदस्य बनते थे, अब मध्य प्रदेश में मात्र 791 जनपद सदस्य बनेंगे। पहले मध्य प्रदेश में जो सरपंच बनते थे वो 4295 बनते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में 2985 सरपंच बनेंगे। आप ये स्थिति देख सकते हो, ये आंकड़ा को देख सकते हो, जो मैंने ये आंकड़ा गुप्त सूत्रों से निकलवाया है उसमें निकल के आया है कि पूरा आंकड़ा आधा रह गया है। उसके बाद भी सरकार और लोग, सरकार के लोग माहौल बना रहे हैं कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया। आप, अरे आपने दिया कि छीन लिया? पहले आपने पूरा रिजर्वेशन छीना, उसके बाद कम करके दे दिया, उससे कि आप लोगों को ऐसा आपने प्रतीत कर दिया कि नहीं हमने ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, हमारी सीटें कम हुई हैं। हमें यदि ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमको जो पहले रिजर्वेशन मिलता था उतना देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं देंगे तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और 21 मई को जो हमारा आंदोलन प्रस्तावित था वो यथावत है। 21 मई को हम पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे और दुगनी ताकत के साथ बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया हुआ है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमको कह रहे थे कि रिजर्वेशन ओबीसी को पूरा दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन आधा